मुद्दों का फायदा उन्हें मिला। विपक्ष की लाख कोशिशों के बावजूद, विपक्ष की लाख सरकार की नाकामियां गिनाने के बावजूद, आखिर वो कौन कौन से प्रमुख मुद्दे रहे जो इस बार उत्तर प्रदेश के चुनाव में बीजेपी को इतिहास के पन्नों में दर्ज करवाते हुए नजर आ रहे हैं। बीजेपी 270 प्लस सीटें जीत चुकी है, हालांकि पिछली बार से 58 सीटें उन्हें कम मिली है, लेकिन जो जीत का आंकड़ा और जो जीत का प्रतिशत है, ये एक नया मार्क बेंच जो है वो बीजेपी ने स्थापित किया है। कैसा मार्क बेंच? पहले के समय में अगर हम देखें, बीते कुछ सालों में जब उत्तर प्रदेश में सरकारें बनती थी तो 26, 27, 28 प्रतिशत पर सरकारें बन जाती थी, इतना वोट प्रतिशत काफी होता था। लेकिन 2017 का जब चुनाव हुआ तो ये वोट प्रतिशत बढ़ के 32 प्रतिशत हो गया, और इस बार ये वोट प्रतिशत बढ़ के 42 प्रतिशत हो गया। यानी बीजेपी को अकेले 42 प्रतिशत वोट बैंक उत्तर प्रदेश की जनता का मिला है। इसके अलावा जो मार्क बेंच की बात कही जा रही है वो ये है कि बीजेपी ने ये भी लागू करा दिया है, ये भी बता दिया है कि अगर उत्तर प्रदेश में किसी भी राजनीतिक दल को हमसे लड़ाई करके आने वाला जो चुनाव होगा 5 साल बाद उसे जीतना है, तो पहले से ही करीब 44 प्रतिशत वोट बैंक के लिए तैयारी कर ले, उनके लिए काम कर ले। अब ये कैसे होगा? इसके अलावा भी कई सारे प्रमुख मुद्दे रहे जिस पर बीजेपी ने काम किया और उनका लाभ भी उन्हें मिला, जिसमें जो उनकी लाभार्थी योजनाएं रही हैं वो सबसे ज्यादा कारगर रही हैं। जो जमीनी स्तर पर उन्होंने काम किया, जनता के हित और लाभ के लिए काम किया, जैसा कि वो लगातार कहते आए हैं, वो सबसे ज्यादा कारगर सिद्ध हुई हैं, जिसमें राशन की बात कही जा सकती है, जिसमें सिलेंडर की बात कही जा सकती है, जिसमें आवास की, जिसमें शौचालय की, इन सारी बातों को रखा जा सकता है। क्योंकि इन बातों को लेकर के लगातार बीजेपी जनता के बीच गई और उन्होंने ये कहा कि बीती सरकारें इस मुद्दे पर कभी भी सोचती तक नहीं थी, जो काम हमने कर दिखाया है। ये काम सबसे ज्यादा उनके फायदे का रहा और ये फायदा लाभार्थी वर्ग जो था ये बीजेपी के खाते में गया। ये लाभार्थी वर्ग होता कौन है? दरअसल उत्तर प्रदेश में अगर देखा जाए तो ज्यादातर ये जो लाभार्थी वर्ग है या तो ये दलित समाज का है या फिर अति पिछड़े वर्ग का। और यही लाभार्थी वर्ग जब एकजुट होकर के इस बार बीजेपी के पास गया, क्योंकि पहले ये समाजवादी पार्टी के और इसका अधिकांश हिस्सा जो था वो बसपा के पास जाता था, लेकिन इस बार इन दोनों ने मिलकर के बीजेपी को अपना वोट दिया और उसी का ही नतीजा है कि बीजेपी उत्तर प्रदेश में दूसरी बार 37 साल बाद सरकार बनाती हुई नजर आ रही है और 270 प्लस सीटें भी जीती हैं और जो वोटिंग प्रतिशत है वो करीब 42 प्रतिशत तक का पहुंच गया है। इसके अलावा अगर महिलाओं की बात की जाए, क्योंकि महिलाओं का मुद्दा भी इस बार राजनीति में बहुत अहम रहा कि महिला के नाम पर एक राजनीतिक दल ने उत्तर प्रदेश का चुनाव भी लड़ा, महिलाओं के मुद्दे पर, कानून व्यवस्था के मुद्दे पर चुनाव लड़ा गया। लेकिन सबसे अहम बात यह है कि इस बार के उत्तर प्रदेश चुनाव में 16 प्रतिशत महिला वोट बैंक, जो सबसे ज्यादा है, वो बीजेपी के खाते में गया। मतलब कुल महिला वोट बैंक का जो 16 प्रतिशत है वो बीजेपी के पास गया, बाकी सब में बट गया। तो यह साफ साबित हो रहा है कि बीजेपी को महिलाओं ने पसंद किया। अब यहां पर एक बात अहम आती है कि आखिर यह सब हुआ कैसे? पहली चीज तो यह कि जो बीजेपी की योजनाएं थी वो काम कर गई। दूसरी चीज ये कि बीजेपी के सीनियर लीडर जो अलग अलग जिलों में, अलग अलग जो विधानसभाओं में लगे हुए थे, जनता के बीच जा रहे थे, अपने काम बता रहे थे, वो काम कर गया। या फिर योगी और मोदी का चेहरा, देश के प्रधानमंत्री और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री का चेहरा काम कर गया। और अगर विपक्ष का कुछ काम नहीं किया तो क्यों नहीं किया? क्योंकि किसानों के मुद्दे पर बात हुई, ये कहा गया कि पश्चिम की जो बेल्ट है वहां पर आरएलडी के साथ मिलकर समाजवादी पार्टी सबसे ज्यादा मजबूत बनी हुई है, लेकिन वहां पर आरएलडी के खाते में सिर्फ 8 सीटें आई, ऐसा क्यों हुआ? और इसके अलावा उत्तर प्रदेश की जो छोटी राजनीतिक दल हैं, जिन्होंने अलग अलग राजनीतिक दलों के साथ मिलकर के बीता चुनाव भी लड़ा था और इस बार का चुनाव भी लड़ा, चाहे ओपी राजभर की बात कर लें या फिर हम इसी कड़ी में स्वामी प्रसाद मौर्य की बात कर लें, ये लोग पिछले चुनाव में बीजेपी के साथ गए थे और बीजेपी को सत्ता में ले आए थे। लेकिन इस बार इन लोगों ने अखिलेश यादव का साथ दिया और उसके बावजूद अखिलेश यादव सत्ता में नहीं आ पाए। तो कहीं ना कहीं कुछ कमियां जरूर रही, और वो कमियां कौन सी रही, कौन सा मैसेज ऐसा रहा जो आरएलडी गठबंधन मिलकर के जनता के बीच नहीं पहुंचा पाया और बीजेपी उसमें कामयाब रही। इसके अलावा भी उत्तर प्रदेश में कई और राजनीतिक दल जो काफी मजबूती से चुनाव लड़ रहे थे, लेकिन वो काफी कुछ बेहतर नुकसान या अपना फायदा करते हुए नजर नहीं आए, जिसमें आम आदमी पार्टी की बात कर ली जाए। हालांकि उन्होंने पंजाब में अपनी सरकार जरूर बनाई है, लेकिन उत्तर प्रदेश में
वो कोई बड़ा अपने लिए माइलस्टोन स्थापित करते हुए नहीं नजर आए। हालांकि ये भी सच है कि उन्होंने पहली बार उत्तर प्रदेश का चुनाव लड़ा, लेकिन उसके बावजूद कुछ ऐसा खास कमाल आम आदमी पार्टी नहीं कर पाई। तो क्यों नहीं कर पाई? कई सारे मुद्दों को लेकर के, घोषणा पत्र को लेकर के लगातार सुर्खियों में आम आदमी पार्टी के नेता बने रहे, लेकिन नतीजा बहुत बेहतर नहीं निकला। तो आज हम इन्हीं विषयों पर चर्चा करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर ये कमियां कहां पर रह गई और इन कमियों को अब आने वाले दिनों में यानी 5 साल में कैसे विपक्ष जो है उसे पूरा करेगा और 5 साल में किन मुद्दों को लेकर के बीजेपी अपनी राजनीति उत्तर प्रदेश में करने वाली है, कुछ बयान सुनिए। लेकिन हाँ, इन सबके बीच में एक और अहम मुद्दा यह भी रहा कि जिस तरह से पहले स्वामी प्रसाद मौर्य और उसके बाद आज अखिलेश यादव ने भी आज सोशल मीडिया पर एक ट्वीट किया और उस ट्वीट में उन्होंने ये लिखा कि जो पोस्टल बैलेट के वोट है उस वोट के आधार पर उत्तर प्रदेश में हम 300 प्लस सीटें जीत रहे थे, तो ईवीएम में आखिर हम हार कैसे गए? ये सवाल भी अहम रहा अखिलेश यादव का, उस पर भी हम चर्चा करेंगे। कुछ बयान सुनिए और उसके बाद हम इस डिबेट को आगे बढ़ाते हैं। बैलेट पेपर वोटिंग में 304 सीटों पर जीती है जबकि भाजपा मात्र 99 पर। हमारा नारा भी था कि इस बार सपा 300 के पार। बैलेट पेपर ने हमारे नारे को सच साबित कर दिखाया, यानी हम 300 के पार गए, 304 पर जीत हासिल की। ईवीएम मशीन की गिनती में भाजपा बाजी मार गई। इसका मतलब है कि कहीं न कहीं कोई बड़ा खेल हुआ है, अन्यथा जो बैलेट पेपर वोटिंग में हारा हो, मात्र 99 पर सिमट गया हो, वो बहुमत कैसे हासिल कर लिया? और इसीलिए मैं सभी राजनीतिक पार्टियों से और सभी मीडिया के साथियों से भी ये अनुरोध करता हूं, ये गंभीर मामला है और चिंतन का विषय है। सभी को आपस में बैठ करके चिंतन करना चाहिए, जिससे कि भविष्य में हम पारदर्शी और निष्पक्ष तरीके से चुनाव प्रक्रिया को संपादित करा सकें और जनता का जो लोकतंत्र में विश्वास है उस विश्वास को निरंतर कायम रखा जा सके। इसलिए इस पर विचार करना और चिंतन करना अत्यंत महत्वपूर्ण है। तो इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ जो मेहमान है वो सभी जुड़ गए हैं। सबसे आपको रूबरू कराता हूँ और उसके बाद इस डिबेट को मैं शुरू करूंगा। चंद्रमोहन चौबे जी हमारे साथ बीजेपी से जुड़े हुए हैं, इसके अलावा अमित कुरो हमारे साथ कांग्रेस से जुड़े हुए हैं, प्रीतपाल सलूजा साहब हमारे साथ आम आदमी पार्टी से जुड़े हुए हैं, इसके अलावा जनता संघर्ष मोर्चा से सुभाष यादव जी जुड़े हुए हैं और आरिफ महमूद साहब हमारे साथ आरएलडी से जुड़े हुए हैं। आप सभी मेहमानों का आज की डिबेट में बहुत बहुत स्वागत है। चौबे जी, मैं सबसे पहले आपके पास आना चाहूंगा क्योंकि आज एक बहुत बड़ा आरोप आपके सबसे प्रमुख विपक्षी दल जिनके साथ आप लोगों ने उत्तर प्रदेश के चुनाव की सबसे अहम लड़ाई लड़ी थी अपने सामने रख करके उन्होंने खड़ा किया है। उनका ये कहना है कि जो बैलेट पेपर के वोट थे उसकी गिनती के आधार पर हम 300 प्लस सीटें जीत रहे थे और आप लोग 90 के आसपास थे, ईवीएम आते आते सारा आंकड़ा जो है वो पलट गया, तो ये क्या था? और दूसरी चीज़, ये जो जनादेश उत्तर प्रदेश की जनता ने आपको दिया है, आप इस जनादेश को किस नज़रिए से देखते हैं? कौन कौन से वो प्रमुख मुद्दे थे जिस पर इस बार उत्तर प्रदेश की जनता ने आपको वोट दिया और विपक्ष उन नब्ज को नहीं पकड़ पाया? देखिए नितिन जी, खिसियानी बिल्ली एक कहावत है ना कि खिसियानी बिल्ली खंभा नोचती है। ईवीएम पे सवाल उठाना लोकतंत्र के प्रति आस्था रखने वाले लोगों के लिए और जिस महान जनता ने या मतदाताओं ने जो मत दिया है अपना सुशासन के लिए, विकास के लिए, जो जन कल्याणकारी योजनाओं के लिए, उसके ऊपर भी संदेह करना है। अच्छा। और इनका कोई दोष नहीं है, ये सिर्फ संदेह में ही पड़े रहे। ये कभी ट्विटर पे अफवाह फैलाते हैं, कभी सोशल मीडिया पे अफवाह फैलाते हैं, कभी जो है उन लोगों को उकसाते हैं, ईवीएम जाओ चेक करो। देखा आपने एक दिन जनादेश आने से पहले किस प्रकार की जो है गुंडई दिखी? अरे जनता इसको पसंद नहीं कर रही है। ये हाराने के लिए ये खुद ही, इनका आचरण, इनका बोल, इस तरह की आरोप मतलब जिसमें कोई आधार नहीं है उसके आरोप, यही ये अपनी कमियों को नहीं देख रहे। अरे जनता देख रही है कि
कि कौन जो है सड़क पे आ रहा है। विपक्ष को सड़क पे आना चाहिए। तो माननीय मुख्यमंत्री जी जो है कोरोना काल में हर कोई ऐसा जनपद नहीं जहां न गए हो। जब लोग भयभीत थे, घरों से बाहर निकलते नहीं थे, अपने ही लोगों को देखने में उनको भय लगता था कहीं ऐसा ना हो कि हम बीमार हो जाएं, कहीं ऐसा ना हो कि हमको कोरोना हो जाए। और उसमें जो है माननीय योगी जी हो, चाहे हमारे प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी हो, ये लोगों के बीच गए, लोगों की चिंता पर पल रात दिन जग कर लोगों की चिंता किए, जो भी समस्या आई तुरंत उसको दूर करने का प्रयास किए। लेकिन इन लोगों ने यही मुद्दा उठाया कि कोरोना काल में लाशें बह रही थी, लोग भूलेंगे नहीं, दवाइयां नहीं मिल पाई, ऑक्सीजन सिलेंडर नहीं मिल पाया, लेकिन वो भी काम नहीं किया। तो हमने क्या कहा, आप सिर्फ लोगों को उकसा कर, भड़का कर आप सोचते हो कि हमको जो है वोट मिलेगा। जनता मूर्ख नहीं है, जनता जनार्दन है, उनको सब दिख रहा है कि आप क्या कर रहे हो, माननीय प्रधानमंत्री जी क्या कर रहे हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी क्या कर रहे हैं, किस समय संकट के समय में किसको कहां दिखना चाहिए। उन्होंने देखा कि कैसे किस प्रकार से यहाँ सुशासन चला है, किस प्रकार से यहाँ का प्रशासन चला है, किस प्रकार से जो है अपराधियों का और अपराध करने वाली मानसिकताओं को किस प्रकार से उनके विचारधारा पर, उनकी मानसिकता पर बुलडोजर चला है, ये आम जनता ने देखा, काम देखा। रात दिन हमारे कार्यकर्ता बूथ तक पर एक इक्कीस जो पन्ना प्रमुख ने जो 21 टीम बनी वो बूथ तक काम करते रहे, अफवाह नहीं फैला रहे थे, वो लोगों का जाकर सुख दुख हाल चाल उनकी पीड़ा जान रहे थे। और ये कहाँ पर थे विपक्ष, कहां पर था, सिर्फ अफवाह फैलाने में, सिर्फ लोगों को उकसाने में, सिर्फ लोगों को भड़काने में लगा हुआ था। ठीक है, ठीक, मैं आता हूं। आरिफ महबूब हमारे साथ आरएलडी से जुड़े हुए हैं। आरिफ भाई, ऐसा क्या हो गया कि पश्चिम में बिल्कुल भी आप लोगों की लहर नहीं चली, 33 में से 8 सीटें आप लोग जीत पाए, आपका वोटिंग परसेंटेज जो पिछली बार 1 समथिंग था वो इस बार 2.85 तक पहुंचा, बहुत बड़ा वोटिंग परसेंटेज भी आप लोग नहीं स्थापित कर पाए और ज्यादातर सीटें भी आप लोग हार गए। और उसके बाद अब आपके जो गठबंधन के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव, उन्होंने ट्वीट किया है, उनके नेताओं ने बयान दिया है कि पोस्टल बैलेट में आप लोग जीत रहे थे लेकिन जो नतीजे ईवीएम के थ्रू आए हैं उसमें सब कुछ उलट गया है, ये क्या नया चीज़ है। देखिए नितिन जी, मेरा कहना ये है कि हमारे नेता ने ये ट्वीट नहीं किया कि ईवीएम में कमी थी, ईवीएम पर हमने कोई प्रश्न नहीं उठाए जी, मगर कहीं ना कहीं प्रश्न ये ज़रूर आज भी वो पूरे उत्तर प्रदेश में गूंज रहा है कि चुनाव आयोग जब इतना सतर्क होकर के वो चुनाव करा रहा था, चुनाव आयोग की आज भी बड़ी तारीफ की जा रही थी, शुरू में भी बड़ी तारीफ की जा रही थी, तो चुनाव आयोग से इतनी बड़ी बड़ी कमियां हो कैसे गई कि ईवीएम की मशीनें सड़क पर दिखाई दे रही थी, ईवीएम की मशीनें कूड़े की उसमें गाड़ी में दिखाई दे रही थी, ईवीएम की मशीनें आप काउंटिंग शुरू हो गई है और प्रत्याशी को घोषित कर दिया गया कि आप जीत गए हैं, फिर उसके बाद वहाँ पर याद आ रहा है कि साहब एक ईवीएम की मशीन जो है वहाँ अंदर हार्ड रूम में रह गई है, आप उसको ले आइए, उसको गिनवाया गया तो आप हार गए। तो ये इस तरीके की जो कहीं ना कहीं जो कमियाँ हैं उस कमियों को हम लोग उजागर कर रहे हैं कि आखिर ये ऐसे कैसे हो गया। आप ये बताइए, मैं भी डिबेट में बैठा था, 9 की बात है, आपने बैलेट पेपर खोला, बैलेट पेपर की काउंटिंग शुरू हो गई, बैलेट पेपर की काउंटिंग शुरू होने के बाद आप 102 सीट पर आप आगे चले, बैलेट पेपर तो कोई हार जीत प्रचंड बहुमत तो कोई आपकी नहीं सिद्ध कर देता ना, बैलेट पेपर आपने खोला, काउंटिंग हुई, काउंटिंग होने के बाद आप ये बताइए कि जो कर्मचारी आपको, जिन कर्मचारियों को ये लाभ चाहिए, आप कह तो रहे हैं कि राशन दिया मैंने, वो लाभार्थियों ने हमको वोट दिया, महिलाओं ने 16% वोट दिया, तो विपक्ष जिन लाभार्थियों को दे रहा था कि हम आपकी पेंशन बहाल करेंगे उन कर्मचारियों को, तो आज उन कर्मचारियों के जो वोट पड़े बैलेट पेपर के सामने, ना तो आपके कोई भारतीय जनता पार्टी का कोई एजेंट था, ना विपक्ष का कोई एजेंट था वहाँ पर, चुनाव आयोग ने किसी एजेंट की व्यवस्था भी वहाँ पर नहीं की, बक्सा आप ले गए, ले जा करके आपने कहाँ रख दिया, कहाँ पर काउंटिंग हुई, कहाँ पर बदला गया, नहीं बदला गया, वो तो एक मामला अलग है। मगर आप ये बताइए, जो लाभार्थी पेंशन चाह रहे थे कर्मचारी, और उनके माँ बाप ये भी चाह रहे थे कि हमारे बेटे को पेंशन मिल जाएगी, बहाल जो है गठबंधन कर रहा है, करेगा, इन्होंने वादा किया, कर रहे हैं जनता से, तो आखिर ये जो लाभार्थी पेंशनर थे इनके साथ वोट कहाँ चले गए, मेरी ये नहीं समझ में आ रहा है। ठीक है, मतलब आप नितिन भाई अब रहा सवाल पश्चिमी उत्तर प्रदेश की, आप बात कर रहे हैं पश्चिमी उत्तर प्रदेश की, मैं उंगलियों पर गिना दूंगा, मैंने वहाँ बहुत दौरा किया, मैं उंगलियों पर गिना दूंगा जहाँ पर आप हमारे प्रत्याशी
बारह तेरह प्रत्याशी ऐसे हैं जो 500 के अंदर हरा दिए गए साहब, हरा दिए गए। अरे साहब बिल्कुल, एक बार आपने जीत घोषित कर दिया, फिर कहा अच्छा। कि अभी एक मशीन रह गई है साहब, मतलब आपको जानबूझ के हराया गया। बिल्कुल बिल्कुल अच्छा। ईवीएम की गड़बड़ी, मैं नहीं कह रहा हूँ कि ईवीएम में गड़बड़ी थी या नहीं थी, मगर ये कमियां कहां से रह गई, कमियां ढूंढिए चलिए, हम ईवीएम पे गड़बड़ी नहीं उठा रहे। आपने, हमारे साथी बैठे हुए हैं बगल में भारतीय जनता पार्टी के, इन्होंने कहा कि साहब हमने 5 साल बहुत काम किया। 5 साल अगर इन्होंने काम किया तो 5 साल उत्तर प्रदेश की पूरी जनता सड़क पर कैसे थी, 5 साल जब चुनाव की बारी आई तो आपके विधायक क्षेत्रों में जाकर के मार कैसे खा रहे थे, आपके विधायक अपने ही क्षेत्र में नहीं घुस पा रहे तो हारे भी हैं, ऐसा नहीं करीब 10 मंत्री इनके हारे हैं। नहीं, हारे हैं 10 मंत्री, हारे हैं, 58 सीटें कमाई हैं पिछली बार से। आप हर जगह गलत नहीं कर सकते थे, आपको कहीं ना कहीं, अच्छा आप ये बताइए, अच्छा मतलब वो एग्जांपल सेट किया गया। बिल्कुल बिल्कुल सुनियोजित ढंग से, अच्छा ये 2022 का चुनाव ईवीएम से जिताया गया कुछ प्रशासनिक अधिकारियों के ऊपर के प्रचंड बहुमत के तरफ योगी जी चल रहे हैं, 38 साल का रिकॉर्ड टूटने जा रहा है, ये सब कहकर के अधिकारियों पर आपने एक मॉरली दबाव बना लिया। फिर उसके बाद आपका फोन वहां के जिला अधिकारी एसपी के ऊपर आपका हावी हो गया, साहब इनको हराइए, इनको जिताइए। आप ये बताइए काउंटिंग हो रही है, इसके खिलाफ आप लोगों ने शिकायत क्यों नहीं किया? सुनिए सर, शिकायत तो 2024 में हम लोग, देखिए मुद्दा खत्म नहीं हो गया है, कल भी मैं डिबेट में था, कल भी मैंने देखा कि उत्तर प्रदेश में जो बेचारे नौजवान नौकरियों के लिए लाठी खा चुके थे, फिर वो लखनऊ में आकर के धरने पर बैठे थे, तख्ती लेकर के अपनी मांग कर रहे थे। अगर आपने काम किया होता तो ये नौजवान सड़क पर क्यों होते? आपने काम किया होता तो किसान 13 महीना क्यों सड़क पर होते? आपने काम किया होता तो वहां पर किसान जो 750 किसानों की जान चली गई वो क्यों उनकी चली गई होती? आपने काम किया होता, आप लखीमपुर की 7 सीटें जीत गए, लखीमपुर में आपने इतना बड़ा काम कर दिया कि थार गाड़ियों से आपने किसानों को कुचल दिया, इस पर वहां के लोगों ने खुश होकर के आपको झोली भर भर करके वोट दे दिया। तो ये सब सारे सवाल हवा में गूंज रहे हैं, कहीं ना कहीं प्रश्न है जो इस प्रश्न की तरफ कोई नहीं दौड़ रहा है। आप 16% मैं आ रहा हूं, फिर नेक्स्ट टाइम मैं आऊंगा तब बताइएगा। चलिए ठीक। हाँ, हमारे साथ अमित गुरु भी जुड़े हुए कांग्रेस से। अमित भाई, आप लोगों ने भी बहुत मजबूती से उत्तर प्रदेश का चुनाव लड़ा, हालांकि आप लोगों को पता था कि संगठन आपका मजबूत नहीं है, कोई बड़ा नेता भी आपके साथ नहीं है प्रियंका गांधी, उसके बावजूद लगभग सभी मुद्दों पर उत्तर प्रदेश में सक्रिय रही, नतीजा हालांकि आप लोगों के साथ नहीं है, लेकिन वो कौन से ऐसे प्रमुख मुद्दे रहे जिस पर उत्तर प्रदेश की जनता ने इस बार बीजेपी को ज्यादा पसंद किया, और अब विपक्ष की तरफ से एक नया मामला खड़ा किया जा रहा है कि पोस्टल बैलेट में हम जीत रहे थे लेकिन कहीं ना कहीं ईवीएम की तरफ इशारा करते हुए कहा गया कि हमें वहां हराया गया, और जो पेंशन का मामला था, जो सरकारी कर्मचारी थे वो समाजवादी पार्टी या उनके गठबंधन के साथ थे या विपक्षी दलों के साथ थे? देखिए नितिन भाई, मैं आपको बता दूं जी, अभी मैं चंद्रमोहन जी को सुन रहा था, उनकी कुछ बातों को मैं कोट करूंगा, पहले मैं आपके सवालों का जवाब दे दूं जी। उत्तर प्रदेश के अंदर और हमने बड़ी मेहनत करी, 5 राज्यों में हमने प्रयास किया था, स्पेशली उत्तर प्रदेश के अंदर प्रियंका जी के नेतृत्व में हमने बहुत मेहनत करी थी। और अभी चंद्रमोहन जी कोविड की बात कर रहे थे कि योगी जी और मोदी जी बाहर निकल के लोगों की मदद कर रहे थे, या चंद्रमोहन जी हमारे मित्र हैं, इनपे बड़े लंबे समय बाद इनसे मुलाकात हो रही है जी। इनको एक बात बता दूं, जो कोविड के समय में लोग मर रहे थे और हमारे देश के प्रधानमंत्री जी सिर्फ अपनी दाढ़ी बढ़ा रहे थे, वो कहीं अपने कमरे से निकले नहीं थे, हम मुगालते में न रहे। दूसरी चीज, कांग्रेस के एक एक सिपाही को आपने उस दौरान सड़कों पर देखा होगा, कोविड में मदद करते थे। उत्तर प्रदेश के अंदर कांग्रेस की हार और निराशाजनक प्रदर्शन से हम इतना ही कहना चाहेंगे, विपक्ष की क्या स्ट्रेटजी थी वो जानेगी, लेकिन अभी पोस्टल बैलेट और ईवीएम की बातों को लेकर ढेर सारी चर्चाएं लोगों के बीच में चल रही हैं, और यहाँ इस मंच पर भी हम लोग उससे बात कर रहे हैं। ईवीएम के बारे में जब तक पुख्ता सबूत नहीं मिल जाता मैं भी कुछ कहने के लायक नहीं हूँ कि मैं कोई दावा पेश कर दूँ, लेकिन इतना जरूर कहूंगा कि देश के तमाम बड़े विकसित देशों में आज बैलेट पेपर पे चुनाव हो रहे हैं, ईवीएम पे चुनाव नहीं होते हैं। उस तरफ चुनाव आयोग को जरूर ध्यान देना चाहिए। एक बार चुनाव आयोग ने सभी को आमंत्रित किया था कि आइए हमारा ईवीएम मशीन हैक करके दिखाइए, कोई राजनीतिक दल और उसका नेता इंजीनियर नहीं होता कि वो हैक करके आपको दिखा देगा। अभी आपने आयोग को देखा, लखनऊ के अंदर शिकायत थी, वहाँ पे आईजी लेवल की कोई अफसर थी जिनके हस्बैंड चुनाव लड़ रहे थे सरोजनी नगर से जी जी जी, और तमाम शिकायत करने के बाद भी उनको नहीं हटाया गया। आज तो पूरा देश उस दौर में जी रहा है जहां लोकतंत्र का खतरा, अच्छे लोकतंत्र की कल्पना आप नहीं कर सकते, वहां पे न्यायपालिका हो, आपकी जो है ये चुनाव आयोग हो, जो भी स्वायत्त संस्थाएं हैं,
वो कहीं ना कहीं से सवालों के घेरे में आती जा रही है। ठीक है, तो ये कौन कौन से मुद्दे रहे अमित भाई जिस पर बीजेपी को वोट गया? जी मुद्दे वो कौन कौन से रहे आपको लगता है कि वो बीजेपी को जनता ने वोट किया है? कहीं से भी बीजेपी का कोई ऐसा काम नहीं था कि जनादेश उनके पक्ष में जाए। मैं भी हतप्रभ हूँ कि जिस तरह से रिजल्ट आया, जिस तरह से परिणाम आए, और परिणाम से पहले जिस तरह से एग्जिट पोल दिखाए गए, ये सारा षड्यंत्र तो दिखा। लेकिन एक बात स्पष्ट कर दूं, मैं दावे के साथ नहीं कह सकता कि हुआ क्या, लेकिन जो पब्लिक में जो चीजें चल रही थी, जिस तरह की संभावनाएं थी, उसके बिल्कुल विपरीत रिजल्ट आया। आप पश्चिम की बात कर रहे थे, पूरा पश्चिम सत्ता पक्ष के खिलाफ था, लेकिन रिजल्ट जो है सत्ता के साथ रहा। अब सवाल इस बात का है, मैं फिर वहीं आता हूँ, बैलेट पेपर से इस देश को आगे कालांतर में चुनाव कराना ही पड़ेगा, क्योंकि कहीं ना कहीं से किसी तरह की दुश्वारी और परेशानी जरूर आ रही है। अब सड़क से अगर बैलेट ईवीएम मशीनें मिल रही हैं, कूड़ेदान में मिल रही हैं, वो वीवीपैट की पर्चियां अगर बाहर मिल रही हैं, कर्मचारियों के पास से बैलेट पेपर अगर मिल रहे हैं, तो कहीं कहीं से चुनाव आयोग की सुस्ती पे सवाल उठता है। हम जिन मुद्दों की आप बात करें, जैसे राशन की बात आपने शुरू में ही जब किया, तो आपने कुछ जैसे आवास की, शौचालय की, राशन की बात गिनाई। ये तकलीफ और दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि ऐसी मूलभूत जो आवश्यकताएं लोगों की हैं और जिसको किसी भी सरकार को मुहैया करानी चाहिए और कालांतर में भी पीछे भी सरकारों ने मुहैया कराई है, उस मामले को लेके अगर जिस देश के अंदर अगर 5 किलो राशन से चुनाव प्रभावित हो रहा है, तो यह इस देश के लोकतंत्र के लिए भी बड़े अशुभ संकेत है। ठीक है नितिन जी, मैं स्पष्ट करना चाहूंगा इस बात को। ठीक है, ठीक है। दूसरी चीज, हमने मुद्दा आधारित राजनीति की, हमने भर्ती विधान की बात की, हमने न्याय विधान की बात की, हमने बेरोजगारों की बात की, हमने महिलाओं की सुरक्षा की बात की, लखीमपुर की हिंसा और किसानों के आंदोलन को लेकर हमने हमेशा हम मुखर रहने का काम किया। लेकिन लखीमपुर में सारी सीटें बीजेपी जीत गई, चौबे जी पूछ रहे हैं, आपके साथी चौबे जी पूछ रहे हैं पंजाब में क्या हुआ, वहाँ पर भी कुछ नहीं चला आपका? देखिए पंजाब में क्या हुआ उसमें हम थोड़ी कह रहे हैं, वहाँ ईवीएम गड़बड़ नहीं था, आप यहाँ ईवीएम गड़बड़ बता रहे हैं। वो तो जिस दिन ईवीएम का थोड़ा सा भी लूपहोल अगर इस देश के सामने आया, इस सरकार को और बीजेपी के लोगों को माफी मांगनी पड़ेगी। ठीक, ये मुगालते में न रहे, साक्ष्य नहीं मिल रहा है। जिस दिन मिल गया पुख्ता सबूत, उस दिन हम वैश्विक स्तर पे बड़े शर्मसार होंगे। ठीक ठीक है अमित भाई, फिलहाल हम अपने कार्यकर्ताओं के साथ फील्ड में रहे, लोगों को अपनी बात अपने ठीक से हो सकता हम न पहुंचाए होंगे, इस नाते हमको निराशाजनक परिणाम मिला। मैं आता हूं। प्रीतपाल सिंह हमारे साथ मौजूद हैं आम आदमी पार्टी से। प्रीतपाल जी, आप लोगों ने भी काफी मजबूती से उत्तर प्रदेश का चुनाव लड़ा, लेकिन यहाँ पर आप लोगों को ऐसा क्या हुआ कि एक भी सीट नहीं मिली, क्या कारण रहा और वो कौन कौन से प्रमुख फैक्टर रहे हैं जिस पर बीजेपी या फिर बाकी के विपक्षी दलों ने काम किया और उन्हें सीटें मिली? नितिन जी देखिए, आम आदमी पार्टी ने एक भी लाइन नहीं, वो शुरू से जो उसकी लाइन थी, जो ऑर्डर था उसी को लेके आम आदमी पार्टी ने ये मन बना लिया था कि हम जैसा कि हम जनता से जुड़े हुए मुद्दों पर ही बात करेंगे, मगर सबसे बड़ी बात ये थी कि लोगों को इतना भ्रम में डाला गया, लोगों को इतने भ्रम में रखकर लोगों को ये कहा गया कि अगर हम नहीं जीतेंगे तो तुम्हारे साथ बहुत बुरा होने वाला है। कौन ये भ्रम ले रहा था? 80-20 का जो खेल योगी आदित्यनाथ जी ने खेला था, आपको मैं याद दिला दूं, 2020 में जब दिल्ली का चुनाव था तब भी सेम भाषण चला करते थे, हिंदू खतरे में है। अगर आम आदमी पार्टी यहाँ जीत जाती है तो दिल्ली के बहन बेटियों को घर से खींच खींच के ले जाया जाएगा, तो इस का डर जो था दिल्ली वासी। तो आप लोग इस भ्रम को तोड़ क्यों नहीं पाए, क्या कारण रहा? हम के साथ ले जाए नितिन जी, आप लोग इस भ्रम को तोड़ क्यों नहीं पाए, कारण क्या रहा? हेलो जी, आवाज मिल रही है आपको मेरी? हाँ, कारण ये था, कारण हम बता देते। एक तो हमारा नेता जो फील्ड में था, वो अगर देखा जाए तो अरविंद केजरीवाल ज्यादा समय नहीं दे पाए पंजाब के बनस्पत। हमको उत्तर प्रदेश के अंदर हमारा एक नेता था संजय सांसद संजय सिंह जी, नेताओं की सबसे बड़ी हमारे पास कमी थी, कार्यकर्ता तो जूझ रहे थे, जनता के बीच में जा रहे थे, जनता से अपनी बात रख रहे थे, हमारे प्रत्याशी भी जन जन तक जा रहे थे, मगर
वहां पे सबसे बड़ी समस्या यहाँ पे ये खड़ी होगी कि लोगों को भ्रम में डाल दिया गया, वो एक बॉर्डर जैसी स्थिति वहां खड़ी कर दी। और नितिन जी आप ये क्यों बोलते हैं कि 2014 से लेकर 2018 के बीच में देश के अंदर जो 28 राज्य थे उसमें 21 राज्यों में भारतीय जनता पार्टी का परचम लहरा रहा था जी। और आज की स्थिति ये खड़ी हो गई है कि भारतीय जनता पार्टी मात्र 17 राज्यों में ही सिमट के रह गई है, और उत्तर प्रदेश में भी अभी का जो चुनाव निकला है इसमें भी 57% की कमी हुई है, 10 इनके मंत्री हारे हैं, इनका उप मुख्यमंत्री भी हारा है। तो उस निगाह से अगर आप देखेंगे नितिन जी तो भारतीय जनता पार्टी प्लस में नहीं है, क्योंकि भारतीय हम हारे नहीं हम जीते हैं। आप तो नहीं ईवीएम से नाराज है कहीं? देखिए ईवीएम से तो नाराज लाल कृष्ण आडवाणी जी थे, मुरली मनोहर जोशी जी थे, जो आज भी उनका मामला कोर्ट में लंबित है। आपको पता होगा जब 2004 ये हारे हैं तब ये कोर्ट में चले गए थे, तब ईवीएम पे इन्होंने सवाल खड़े किए थे। भारतीय जनता पार्टी का तो अपना ही चौड़ा नीति है। अब जब उनको उस समय हार दिख रही थी, कांग्रेस ने उनको जब हरा दिया तब इनको ईवीएम नजर आ रही थी, आज ये जीत रहे तो इनकी ईवीएम नहीं नजर आ रही। देखिए ईवीएम कई देशों ने ईवीएम को नकार दिया है, कई देशों ने ईवीएम को पूछ के बुलडोजर से कुटवा के, जो बुलडोजर बाबा कहला रहे हैं यहाँ पे, कई देशों ने बुलडोजर से कुटवा के जमीन में धसा दिए ईवीएम को, वहां पे बैलेट पेपर शुरू हो गए हैं। तो आने वाले समय में बैलेट पेपर तो पारदर्शिता तो अब है, आज की डेट में किसी समय में ऐसा हुआ करता था कि लोग लेके लिए भाग जाते थे, मगर उस समय कैमरे नहीं हुआ करते थे, आधुनिक व्यवस्था नहीं थी, मगर आने वाले समय में हम लोगों को बैलेट पेपर की ओर जाना पड़ेगा। ईवीएम पे सवाल नहीं खड़ा कर रहे, मगर दो एग्जाम्पल अन्य देशों में देखने को मिला है, अभी तक सभी ईवीएम से भाग कर बैलेट पेपर की ओर आ रहे हैं। तो हमारे देश को बैलेट पेपर की ओर आना पड़ेगा। हमारी आम आदमी पार्टी जैसे 2017 में पंजाब में हम कम सीटों से जीते थे, आज हम ये प्रीतपाल जी बम्पर सीट से पंजाब के अंदर आए, कल हम ठीक है, मैं आता हूँ आपके पास। सुभाष यादव जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं जनता संघर्ष मोर्चा से। सुभाष जी आप इस उत्तर प्रदेश के चुनाव के नतीजे को किस नज़र से देखते हैं, कौन कौन से वो प्रमुख फैक्टर थे जो काम कर गए हैं, और अब जिन चीज़ों को लेकर के सवाल खड़े किए जा रहे हैं वो कितने सही हैं? देखिए नितिन जी, सबसे पहली बात तो मैं इसके अंदर बोलना चाहता हूँ कि जैसे ये लोग एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप कर रहे हैं ईवीएम को लेकर, पोस्टल बैलेट को लेकर, तो मुझे एक शायर का मशहूर शायर का शेर याद आ रहा है, दौरे सियासत का बस इतना सा फसाना है, दौरे सियासत का बस इतना सा फसाना है, बस्तियां भी जलानी है और मातम भी मनाना है। तो एक दूसरे के ऊपर जो आरोप प्रत्यारोप कर रहे हैं पूरी तरीके से गलत है। मैं इन लोगों के जो सवाल के ऊपर अभी मैं कोट करूंगा, लेकिन उसके पहले मैं आपके सवालों का जवाब दे दूं। उत्तर प्रदेश का जो चुनाव था, उत्तर प्रदेश के चुनाव के अंदर भारतीय जनता पार्टी के जो खिलाफ जो मुद्दे चल रहे थे उसके अंदर विपक्षी पार्टियां जो होगी, चाहे वो RLD हो गई या कांग्रेस हो गई या समाजवादी पार्टी हो गई, ये उत्तर प्रदेश की जनता को शायद समझाने में सफल नहीं हो पाए। दूसरा मुद्दा इसके अंदर ये आ जाता है कि जो भारतीय जनता पार्टी की नाकामी वगैरह थी, जैसा कि आपने बताया कि कोरोना काल की जो बात चल रही थी, कोरोना का मुद्दा इसके पहले कई बार डिबेट के अंदर उठा था, लेकिन कोरोना का जो फैक्ट था वो पूरी तरीके से उत्तर प्रदेश की जनता ने नकार दिया। तो कोरोना की बात अगर न करें तो बेहतर है, क्योंकि कोरोना के अंदर जो जितनी बदइंतजाम भी कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी ने की थी वो किसी से छुपा नहीं है। यहाँ पे असल बात ये होती ना कि कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, RLD, सुभाषपा, जितनी भी विपक्षी पार्टियां जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी के अगेंस्ट चुनाव लड़ा था, ये लोग भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ चुनाव पूरी तरीके से मजबूती से लड़ नहीं पाए, इसीलिए सीधे सीधे ये लोग ईवीएम के ऊपर ठीकरा फोड़ रहे हैं। कांग्रेस के थोड़ी देर पहले भी हमारे प्रवक्ता महोदय अमित गुरुजी ने बोला, तो मैं अमित गुरुजी से बोलना चाहता हूं कि जो ईवीएम आई थी ये कांग्रेस सरकार के समय ही आई थी। और अभी कुछ दिन पहले का मैं आपको एक इंसिडेंट बताता हूं कि जो स्पीकर है महाराष्ट्र के नाना पटोले साहब, उन्होंने महाराष्ट्र के अंदर एक प्रस्ताव पेश किया था ईवीएम के लिए कि यहां पे महाराष्ट्र के अंदर अब जो भी चुनाव होंगे वो बैलेट पेपर से होंगे। उसके दो ही दिन बाद उनको विधानसभा स्पीकर पद से हटा दिया गया। अच्छा। तो जो कांग्रेस ये जो दोहरा रवैया अपनाती है ना कि पोस्टल बैलेट से चुनाव होने चाहिए, ईवीएम से चुनाव नहीं होने चाहिए, तो अपनी हार की जो वजह होती है इसको तलाशने की जगह ये लोग सीधे सीधे ईवीएम के ऊपर ठिकरा फोड़ देते हैं। हमारे प्रवक्ता महोदय आरिफ साहब जी बोलते हैं कि अरे अधिकारियों ने इनको जिताया। तो सबसे बड़ी बात ये होती है ना कि जो फैक्ट चल रहा था जाटों का और किसानों का पश्चिम उत्तर प्रदेश के अंदर,
वो फैक्ट पूरी तरीके से फेल हो गया। जाटों ने आरएलडी का और चौधरी अजीत सिंह का उतना ही साथ दिया जितना यूक्रेन का नाटो ने दिया, तो ये अपनी गलती को छुपा रहे हैं। इनको अपने गिरेबान में झांकना बहुत जरूरी है। ये पूरी तरीके से उत्तर प्रदेश की जनता को समझाने में फेल हुए हैं। प्रीतपाल सिंह जी आ रहे थे, ईवीएम को दोषी ठहरा रहे हैं। पंजाब के अंदर इनकी सरकार बनी, ईवीएम से बनी ना भैया, कि वहां पे पोस्टल बैलेट चला गया था वहां पे। दिल्ली में अपनी सरकार बनाई तीन तीन बार चार चार बार, वहां पे ईवीएम से सरकार बनी ना, कि वहां पे बैलेट पेपर सरकार बनी। तो पता नहीं, मुझे समझ में ये नहीं आता है कि ये जब जीतते हैं तब ईवीएम को दोष नहीं देते, हारते हैं तो ईवीएम को दोष देते हैं। अगर ईवीएम इतनी ही दोषी है तो ईवीएम के खिलाफ जब चुनाव होता है तो सारी पॉलिटिकल पार्टियों को बायकॉट कर देना चाहिए। ये क्यों जाते हैं ईवीएम से चुनाव कराने के लिए? जाएंगे चुनाव कराने के लिए, जीतेंगे तो ईवीएम भैया वाह वाह है, हार गए तो ईवीएम दोषी है, अधिकारी दोषी है। अपने आप के अंदर इनको आत्ममंथन करना चाहिए, ये अपने आप के अंदर आत्ममंथन करते नहीं है। तो सबसे बड़ी चीज इनको ध्यान रखना चाहिए कि आप पूरी तरीके से उत्तर प्रदेश की जनता को समझाने में फेल हो गए हैं, नाकारा साबित हुए हैं। उत्तर प्रदेश की जनता ने आपको नकार दिया है, आप उसके ऊपर मंथन करिए और 2024 के अंदर भारतीय जनता पार्टी से आप किस प्रकार मुकाबला कर सकते हैं उसकी तैयारी करिए, न कि ईवीएम को बहाना बनाइए। ठीक है चौबे जी, अब मेरा सवाल आपसे ये, क्योंकि आपने सबको सुन लिया, मैं आपसे ये पूछना चाह रहा था कि आखिर आपको क्या मिला आरएलडी को हरवा करके? कई सीटों पर आप लोगों ने डीएम वीएम को फोन किया, जैसा आरिफ भाई कह रहे थे कि अधिकारियों को फोन करके आप लोगों ने हरवा दिया है, क्या मिला आपको? देखिए अभी विषय जब चर्चा हो रही थी उसी में था, क्यों हमारे मंत्री भी आ रहे, ऐसा तो है नहीं कि हम जब तो वो कह रहे हैं कि एग्जांपल दिखाने के लिए आप लोग ने हरवा दिया जानबूझ के। देखिए इन लोगों का भला जो है तभी हो सकता है जब ये दूसरों की कमियां देखने के बजाय केशव प्रसाद मौर्य के, सर एक सेकंड, आप अधिकारी की बात की तो केशव प्रसाद मौर्य के बारे में बता दिए, क्यों इतनी देर लगाई आपने उनको जीत का सर्टिफिकेट देने में, क्यों वहां पे गोली बारूद आपको चलानी पड़ी, क्यों पुलिस वाला आपको इस्तेमाल करना पड़ा? अरे वो जीत गई थी, आप सर्टिफिकेट दे देते। विपक्ष की यही कमी सीधी सी बात, वो हल्ला कर रहा है। नहीं हल्ला नहीं, आप सच्चाई का जवाब दे दीजिए ना, ना सच्चाई का आप जवाब दीजिए। मैं भी तो एक सवाल पूछ रहा हूँ आपसे, इन्होंने राकेश टिकैत जी के कंधों पर रखा था, आपको पता है राकेश टिकैत जो सबसे बड़े किसान नेता के चेहरा थे उनके गाँव में मात्र उनको 34 वोट मिले और भाजपा को उनपे जो है 950 से अधिक वोट मिले। अब बताइए उनका गाँव के लोग जब उनको नेता नहीं मानते, यो ऐसे व्यक्ति के कंधे पर कौन किसके कंधे पर रख के जाए? किसान किसान आंदोलन में राष्ट्रीय लोक दल के साथ खड़ा हुआ था मान्यवर, आपको पता होना चाहिए। पंजाब में कांग्रेस ने देखिए क्या किया, कांग्रेस को खुद चिंतन करना चाहिए कि वो हमेशा जो है दूसरों को हराने के लिए दूसरे के कंधे का सहारा लेता है। इससे पहले जो है आपातकाल के बाद जब देखे होंगे, उसके पहले जब 1984 में वहां दंगा आग लगा था तो जानते हैं उन्होंने क्या किया था? इन लोगों ने जो है भिंडरवाला को इन लोगों ने पैदा किया था। क्यों? सिर्फ दूसरे को आए ना, चाहे देश जो है जल जाए, चाहे देश की संपत्ति बर्बाद हो जाए, चाहे जितने लोग मर जाए, लेकिन इनको चाहिए सत्ता। पंजाब में इन्होंने यही आग लगाया था। आपको क्या चाहिए? आपको क्या चाहिए? मनोहर अपनी बताइए क्या हुआ? उल्टा क्या हुआ? कांग्रेस हार गई, कांग्रेस हार गई, ये देखिए। और आम आदमी पार्टी इन्होंने दिल्ली में भी वही देखिए, ये अपने को जीतने के लिए, कांग्रेस पार्टी जीतने के लिए चुनाव नहीं लड़ती है, ये दूसरों को हरवाने के लिए। बंगाल में देखिए, दिल्ली में देखिए, पंजाब में देखिए। अरे आप अपनी उपलब्धि बताओ, आप क्या करोगे? आप तो सिर्फ कमियां लोगों को जितना हो सके उकसाओ, कभी ये नौजवानों पर जो है चले जाते कंधे पर बंदूक रखते हैं, कभी किसान के कंधे पर रखते हैं, कभी महिलाओं के कंधे पर रखते हैं, और ये सब के सब लोग भाजपा पे विश्वास करते हैं। क्यों? देखिए एग्जांपल मैं किसानों का बता रहा हूँ, किसान आंदोलन जो जो कि बहुत बड़ा आंदोलन इन लोगों ने बनाया था, किसानों को उकसाया था, किसानों ने जानते हो विश्वास किसके ऊपर किया? विश्वास विश्वसनीय चेहरे पे किया जाता है, तो उनके लिए विश्वास नरेंद्र मोदी जी हैं, उनके लिए विश्वास बाबा योगी आदित्यनाथ जी। अखिलेश यादव जयंत चौधरी पे कोई भरोसा नहीं था। नहीं सुनिए तो क्यों है? अब कारण आपको ये सवाल पूछना चाहिए कि क्यों है इनके ऊपर विश्वास और इनके ऊपर क्यों नहीं किया? तो देखिए इन लोगों ने मात्र जब किसानों का जो बकाया था ना 2012-17 में समाजवादी पार्टी ने जानते कितना दिया था? 90,000 करोड़। और यही भारतीय जनता पार्टी ने 1,52,000 करोड़ भुगतान किया। और सुनिए यही नहीं, किसानों के लिए 36,000 करोड़ रुपए से 46 लाख किसानों को
उनका मुआवजा उनको दिया, उनका कर्जा माफ किया। और नहीं, किसानों ने ये देखा कि ये जो कहते हैं वो करते हैं, झूठा नहीं बोलते, सालाना 6,000 रुपए, किसानों ने इस पर विश्वास किया, महिलाओं ने विश्वास जानते हैं क्यों किया, उन्होंने देखा कि चाहे वो उज्ज्वला योजना हो, चाहे मुद्रा योजना हो, चाहे जनधन खाता हो, सब में महिलाओं को वरीयता मिली। महिलाओं के लिए जितना काम इस सरकार ने किया है उस सरकार ने किसी ने नहीं किया, तो महिलाओं ने। और रही बात बहुत ज्यादा रोजगार की और जो है बेरोजगार की बात करते हैं, युवाओं की चिंता करते हैं, ये सब दोहरा चरित्र अपनाते हैं। ठीक है, आप नीलू चाहिए, नीलू चाहिए, ठीक है, अरे बाकियों को बोलने देंगे भाई, जीत गए तो अकेले बोलेंगे क्या? नहीं, सुनिए और सुनिए, 2000 अच्छा, अब हम सही में आपसे पंचले के आप दबा देंगे बोलने के लिए। ठीक है, चौबीस हो गया, प्लीज, और 2000 बाकियों को बोलने दीजिए। सुनिए, 2017 से मात्र 1,90,000, ठीक है, और हमारी सरकार ने युवाओं को सरकारी नौकरी 4,70,000 दिया। ठीक है, हो गया, ठीक है, हो गया, हो गया, उकसाना भड़काना। मैं आऊंगा। आरिफ मोहम्मद कुछ कहना चाह रहे हैं, आरिफ भाई जल्दी से। जी जी, नितिन भाई देखिए, अब जल्दी ना करिए, सवाल बहुत बड़े बड़े आए हैं। जल्दी, अभी सुभाष जी जो है बहुत बड़ा ज्ञान दे रहे थे, इन लोगों को मंथन करना चाहिए, अपने गिरेबान में झांकना चाहिए, नहीं करेंगे। मैं इनसे इतना कहना चाह रहा हूँ कि ये लश्कर भी तुम्हारा है, सरदार तुम्हारा है, तुम झूठ को सच लिख दो, अखबार तुम्हारा है, तुम जो आप कहोगे वही सच है, बाकी जो कहेगा वो झूठ। अब मैं अपने भाजपा प्रवक्ता की मैं बात कह रहा हूँ कि भाजपा प्रवक्ता जी ये कह रहे हैं कि महिलाओं के लिए इन्होंने क्या किया, आज पूरे चाहे उन्नाव के मामले को लेकर के आप देख लीजिए, चाहे आप हाथरस के मामले को लेकर के आप देख लीजिए, और वो क्या कहते हैं, महिलाओं के मामले में कितनी आपने सुरक्षा दे दी आपने, तो अपने सुनिए, मैं बीच में नहीं बोला आपसे, नहीं मैं सुन लीजिए, मैं बीच में, आप मत बोलिए, आपने मानवता की सारी हदें पार कर दिया, आपने 12 बजे रात में क्रोसीन जला करके उस मासूम बच्ची का अंतिम संस्कार कर दिया जो मानवता के खिलाफ है, आपको नहीं करना चाहिए था, आपको देख आपके हम सुने गिरेबान में हमें और आपको भी झांकना चाहिए कि घर की बच्चियां कितनी मासूम होती हैं, एक तो उनके साथ इतना बड़ा अपराध हुआ, कुकृत हुआ, और आपने उससे बड़ा अपराध क्रोसीन जला करके आपने उसकी अंतिम संस्कार कर दिया। आज आप उन्नाव में देख लीजिए आपने क्या किया, आपके विधायक इन सब चीजों में लिप्त पाए जा रहे हैं, अब आप कह रहे हैं कि नौजवानों को 4.5 महीने सुनिए, फिर वोट क्यों दिया? आप थोड़ा सा तब भी महिलाओं ने वोट दिया, आप थोड़ा सा महिलाओं ने आपको क्या दिया? महिलाओं से तो आपने सुनिए, महिलाओं को तो आपने कहा कि मैंने तुमको नमक दिया है, तुम्हें नमक की कसम है अगर तुम हमें वोट ना दो तो, इस तरीके के आपके नेता भाषण देते हैं, मोदी जी ने दिया कि नहीं दिया आप बताइए, नमक के लिए कहा या नहीं कहा बताइए, अरे हंसो ना मत, आप सच बोल लो, आप सच बोल दो, मोदी जी ने आपके विधायकों ने कहा कि नहीं कहा, कमियां नहीं है, ये सिर्फ क्षेत्रवाद, ये सिर्फ जातवाद, जबकि जनता ने संघकार दिया, अभी भी संशोधन नहीं कर रहे हैं। अब आप मान्यवर फिर से आप बहुमत में आ गए, अब झूठ बोलना छोड़ दीजिए, अब आप 2017 वाला आप इस पर थोड़ा सा मंथन करिए, अब आप लोगों को दीजिए, झूठ के पाखंडी से पाखंडियों से हटाइए। ठीक है हरी भाई, ठीक है प्लीज 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 प्लीज, जनता ने आप पे विश्वास नहीं किया, मैं आऊंगा फिर भी, आपने क्या किया है इस पर, ठीक है प्लीज हरी भाई, आपने कैसे जीता, नतीजे आ गए हैं, किसने क्या किया किसने क्या नहीं किया वो नतीजों से पता चल चुका है। ठीक है, हमें ये भी सब दौड़ रहा है कि आम आदमी पार्टी को आपने पंजाब में क्यों जिता दिया, कांग्रेस को मुक्त भारत आपने जिताया है, इस डिबेट के माध्यम से उत्तर प्रदेश की जनता ये भी देख रही है कि विपक्ष के अंदर सहने की शक्ति नहीं पूरी तरीके से, झूठ को हम नहीं, जब इनको बोलने का मौका दिया जा रहा था तो लोग बोल रहे थे विपक्ष, कारण यही होता है, ये विपक्ष होता है, सुनने की क्षमता नहीं है, पूरा हो सकेगा डिबेट खत्म होने के बाद आरिफ जी रिकॉर्डिंग जाके देखिएगा कि मैं इसके अंदर कोई झूठ नहीं बोल रहा हूँ, मैंने सिर्फ यही बोला कि आरएलडी को मंथन करने की जरूरत है, नहीं वो कह रहे मंथन भी नहीं करेंगे, मंथन नहीं करेंगे, आप बोलते हैं जाटों ने आपको वोट दिया, अगर जाटों ने आपको वोट दिया तो जाटों ने अगर आपको वोट दिया आपकी 6 सीटें सिर्फ 2 सीटें बड़ी 8 सीटें
बाकी सीटें कहाँ गई आपकी? 33 सीटों पे आप लड़ रहे थे, जाटों ने आपको क्यों नहीं वोट दिया? जो 8 भी है उसमें से 5 पे आरएलडी जीती है और 3 शायद सपा वाली, 3 सपा वाले सैंपल पे जीते हैं। तो बार बार आप वो चीजें बोल रहे हैं कि मैं झूठ बोल रहा हूँ, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, आप मंथन करिए। जाटों ने, फिर बोल रहा हूँ मैं आपको, जाटों ने आपको वोट दिया ही नहीं। जिस प्रकार अमेरिका के नाटो ने यूक्रेन को मदद करने का आश्वासन दिया था, उसी प्रकार जाटों ने भी उनका आश्वासन दिया था। जाट पूरी तरीके से उनके पीछे हट गए, पूरी तरीके से। नितिन जी, नितिन जी, नितिन जी, प्लीज वन बाय वन, प्लीज, प्लीज, प्लीज वन बाय वन, ठीक है। हरी भाई, हरी भाई, हरी भाई, देखिए नितिन जी, इसी प्रकार मैं फिर बोल रहा हूँ, उत्तर प्रदेश की जनता ने क्यों नकारा इनको? ये बार बार जो बोलते हैं ना कि भारतीय जनता पार्टी उपलब्धि नहीं है, नहीं है अभी सुनने की क्षमता बिल्कुल नहीं है मेरे साथी में, बिल्कुल नहीं है। 24 में आपको बता, मेरे साथी महोदय में सुनने की क्षमता बिल्कुल भी नहीं है। 24 में फिर वही होगा ना? चौबीस जी भी सुन रहे हैं इसके अंदर बीच में। जनता देख रही है, राजनाथ सिंह के पुत्र मंत्री बनने जा रहे हैं, ये परिवारवाद नहीं है। अरे तो भाई वो जीते तो बनने जा रहे हैं, सरकार में आए हैं, ये सच नहीं है, ठीक है। ये परिवारवाद बीजेपी में नहीं है, आप परिवारवाद की बात कर रहे हैं, ठीक है। प्लीज प्लीज प्लीज, हाँ, सुभाष जी, सिंह जी के बेटे, अरे भाई, अरे भाई, अरे भाई, अच्छा बताइए, ये सच है? अरे आरिफ जी, आरिफ जी, मैं ये कह रहा हूँ, आरिफ भाई, मैं ये कह रहा हूँ कि अब मंत्री बनने से दिक्कत है तो आप लोग भी साथ में चले जाओ ना, से दिक्कत नहीं है तो शांत रहो, आप बात ये ना करें, ठीक है। प्लीज शांत रहिए, घर शीशे के हैं, ठीक है, ठीक है, ठीक है, शांत रहिए। सुभाष जी को बोल लीजिए, कम से कम आप तो संयम का परिचय दें। आप भी अगर विपक्षी की तरह कूद के चिल्लाना शुरू करेंगे तो मतलब नहीं है, ठीक है। अरे मामू जी, फिर आप फिर पीछे बोलना शुरू कर दिए, बहुत हो गया। अब आपका सुनने की क्षमता रखिए, बार बार बोले जा रहे हैं बीच के अंदर, आपके बोलने के बीच के अंदर बोल रहे हैं, एक्सेप्ट करना पड़ेगा और एक्सेप्ट करिए। अरे भाई देखिए, सुनिए अरे भाई, सुनिए अरे भाई, प्लीज सुनिए अरे भाई, आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि आपका वोटिंग प्रतिशत बहुत नहीं बढ़ा है 5 सालों में। आप पिछली बार 1.something, आप पिछली बार 1.85 पे थे और इस बार 2.85 पर आए हैं, ये भी ध्यान रखिएगा। 33 सीटों पर चुनाव लड़े थे, 5 जीती हैं आपने, ये सच्चाई एक्सेप्ट करिए। जाटों का वोट आपको नहीं मिला है, बागपत में भी आप 2 सीटें हारे हैं, इसको एक्सेप्ट करिए। आप सीट जीत करके आए हूँ, 5 सीट, उसमें से 3 सीटें जो थी वो सपा के सिंबल पे थी भाई, आप एक्सेप्ट तो करिए। देखिए एक्सेप्ट नहीं करेंगे तो कोई मामला नहीं बनता, पहले अपने चीजों का एक्सेप्ट करिए, मगर आप मुझे ज्ञान सिखाएंगे मैं एक्सेप्ट करूंगा। आपको ज्ञान नहीं बताया जा रहा, आपको सच्चाई बताई जा रही, जिससे अभी भी आप भाग रहे हैं, आप अभी भी उन चीजों से भाग रहे हैं। सच्चाई मैं अगर कह रहा हूँ तो आप एक्सेप्ट नहीं कर रहे कि जाटों ने आपको वोट नहीं दिया, आप एक्सेप्ट नहीं कर रहे कि आप बागपत में भी 2 सीटें हार के आए हैं, मुसलमानों ने भी वोट दिया, गुजरों ने भी वोट दिया, तो वो वोट कहाँ गया? बीजेपी के पास गया, नहीं दिया है वो वोट कहाँ गया? अरे वोट बता तो रहा हूँ आपसे, ईवीएम के माध्यम से ले उड़े आप वोट, तो आप लोग क्यों नहीं सड़क पर उतर रहे भाई? आप लोग ने शिकायत क्यों नहीं की? आपने शिकायत क्यों नहीं की उसके लिए? आप बताइए लखीमपुर में 7 सीट आप कैसे जीत गए? अरे भाई बीजेपी अपनी योजनाओं से जीत रही, बीजेपी बता रही है, बीजेपी ने बोला अपनी योजनाओं को नहीं कुछ लगे, क्यों आपको वोट नहीं मिला मुझे ये बताइए, मुझे ये बताइए आप लखीमपुर में कैसे जीते आप? अरे मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि लखीमपुर में बीजेपी कैसे जीत गई? आप अपना मैसेज क्यों नहीं पहुंचा पाए? आपसे कह रहा हूँ इसलिए नहीं हुआ कि वहाँ बेईमानी की गई है। कैसे मान लिया जाएगा बेईमानी की जाएगी? पूरे प्रदेश में बेईमानी की गई है। नितिन जी, नितिन जी, नितिन जी, गर्मा गर्म बहस हो गई। ये वास्तविकता ये है कि सच्चाई स्वीकार नहीं करता विपक्ष, मैं वही कह रहा हूं, बिल्कुल स्वीकार नहीं करता। ये बोल रहे हैं इनको वोट मिला है, वोट मिला, फिर भी 5 सीटें जीते हैं, फिर भी उसको स्वीकार नहीं करेंगे। मुझे सिर्फ आप मान्यता बता दें, यही विपक्ष की भूमिका है। सुभाष जी, विपक्ष आज तक अभी तक नहीं, नहीं, भारतीय जनता पार्टी का जो उभार हो रहा है, उस उभार होने का पूरी तरीके से कारण जो है विपक्ष का जिम्मेदार होना। विपक्ष क्या करता है कि सच्चाई को स्वीकार नहीं करता है, सिर्फ एक अभी भी ये लोग उस चीज को स्वीकार ही नहीं कर रहे, क्योंकि उनको हार हजम ही नहीं हो रही। बार बार ईवीएम को दोष ठहराना, अपनी नाकामी का ठीकरा भरना होता है ईवीएम के ऊपर। दे दिए, ये बता दीजिए, 5 सीट जीते ये लोग, सब सही थे, 35 पर लड़कर बहुत अच्छा काम किया 5 साल, तो आपके विधायक क्यों नहीं घुसवा रहे थे अपने क्षेत्र में? ये सबसे बड़ी कमी है, भगा रही थी। आरिफ जी बताइए, आरिफ जी, आरिफ जी, आपकी सबसे बड़ी कमी यही है। कर रहे थे, आपकी क्या कर रहे थे? आरिफ जी, आरिफ जी, ये आपकी कमी है, क्योंकि आप शायद देख नहीं रहे, टीवी स्क्रीन पे देखिए,
कि मैं भारतीय जनता पार्टी का नहीं, भारतीय जनता पार्टी मैं किसी पक्ष की बात नहीं कर रहा हूँ, आपको आईना दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ, लेकिन आप आईना नहीं देखना चाहते। आपको जाटों ने वोट दिया, आपको मुसलमानों ने वोट दिया, सबने आपको वोट दिया, 33 पे लड़े, 5 जीते, धन दो यार, हद होती झूठ बोलने की यार, झूठ नहीं बोलना चाहिए। जनता के अंदर बीजेपी को लेकर जो नाराजगी थी, आप उस मैसेज को भी जनता के बीच नहीं पहुंचा पाए और इसी वजह से वो लोग जीते। मैं आता हूँ आप लोग के पास, बिल्कुल सही बात। अमित जी, अमित भाई, कुछ कहना चाह रहे हैं आप? नहीं, दो बातें मैं कहना चाह रहा था। पहले तो सुभाष जी के एक वक्तव्य से मुझे थोड़ी सी असहमति है जी। उन्होंने कहा जिस तरह से यूक्रेन का साथ नाटो ने नहीं दिया, उसी तरह से जाटों पे भी, जाटों ने भी साथ नहीं दिया, वो अविश्वसनीय है। तो मैं, मुझे लगता है कि जाटों को अविश्वसनीयता की श्रेणी में न लाई जाए। उनका मत है, वो किसकी तरफ गए नहीं गए वो अपना विषय है। नाटो को जाटों से जोड़ना अच्छी। अमित जी, एक सेकंड के भीतर। अमित जी, मैंने ये नहीं आरोप लगाया था, ये हमारे आपके साथी महोदय प्रवक्ता आरएलडी के, इन्होंने अहमद जी ने बोला था, आरिफ जी ने, कि हमको जाटों ने वोट दिया, तब मैंने बोला अगर जाटों ने वोट इनको दिया तो परसेंटेज बढ़ना चाहिए था, और परसेंटेज बढ़ेगा तो वोटों में कन्वर्ट होना चाहिए था, जो कि नहीं हुआ। अमित भाई, मैं आपकी बात से सहमत हूँ। ये चाइना नहीं जा रहे हैं, जहाँ पर अरुणाचल प्रदेश में हमारी जमीन पर उसने अपना घर बना लिया, वहाँ पर ये छत, ये 56 इंच की छाती लेकर के नहीं जाएंगे, वहाँ पर जाकर के ये अपना घर नहीं, ये चाइना का घर नहीं बनाएंगे, वहाँ पर ये सिकंदर बनकर के उभरे हुए। मैं उनसे बात बता रहा हूँ, मैं उन्हीं के पक्ष की बात कर रहा हूँ। जनता पार्टी के लोग वहाँ नहीं जाएंगे। अमित भाई, ये हमारे और आपके जो भी पैनल में साथी बैठे हैं हमारे, जिस दल के हो, जिस अखबार से हो, मैं सबका सम्मान करता हूँ। मेरा एक मतलब था बस इतना कहना, किसी जाति धर्म या मजहब पे को अविश्वसनीय ठहराना ठीक नहीं है। बहरहाल जो भी है, एक चीज मैं स्पष्ट कर दूं, चुनाव हारे, विपक्ष इतना कमजोर रहा, विपक्ष अपनी बात जनता तक नहीं पहुंचा पाया, बहुत सारी चीजें हैं, चुनाव हम हारे हैं। मैं अपने दल की बात करूं तो निराशाजनक प्रदर्शन हमारा रहा है, मुझे उसको स्वीकार करना पड़ेगा। हमारे पार्टी में लोग मंथन भी कर रहे हैं कि हमने कहां से किस तरह की कमजोरी हमने ले ली, जिसकी वजह से ये दशा हम देख रहे हैं। लेकिन एक बात स्पष्ट कर दूं, भारतीय जनता पार्टी की यह जो जीत है, बार बार जैसे बुलडोजर की बात आ रही है ना, ये बुलडोजर कह के जो डराने की परंपरा, जो रवायत चली जा रही है, यह बुलडोजर तब अफसोस होता है जब बुलडोजर कह के आप इतना सारी बगाड़ते हैं भारतीय जनता पार्टी के लोग, और वह बुलडोजर लखीमपुर खीरी के उस मंत्री के घर नहीं पहुंच पाया आज तक, वह बुलडोजर आज तक कुलदीप सेंगर के घर नहीं पहुंच पाया। बुलडोजर कह के कि लोगों को डराने की जो परंपरा है, लोकतंत्र को कमजोर करने की जो परंपरा और जो रवायत चल रही है, ये गंदी है। आखिर ये बुलडोजर व्यक्ति विशेष या किसी धर्म या जाति विशेष के यहाँ ही क्यों जाता है? आप उस बुलडोजर को चारों तरफ मूव कर दीजिए ना, तब तो मैं जानू कि आपकी निष्पक्षता के साथ सरकार चला रहे हैं। मूल स्थिति जो ये है, और ईवीएम और बैलेट पेपर की जहां तक बात हो रही है, हम फिर कहते हैं कि हम बहुत दावे के साथ ईवीएम को कटघरे में और फांसी पे नहीं चढ़ा सकते, लेकिन मैंने एक बात कही कि स्वस्थ परंपरा में तमाम सारे अग्रणी देश ईवीएम के आधार पे अपना चुनाव नहीं कराते हैं। हमें बैलेट पे एक समय होगा, वापस आना पड़ेगा। आपने इसी उत्तर प्रदेश के अंदर पंचायत चुनाव के दौरान देखा किस तरह से लोगों को नामांकन नहीं दिया गया। भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने पंचायत चुनाव में नामांकन नहीं करा दिया। जबरदस्ती महिलाओं के आबरू के साथ खेला गया, उनके वस्त्र तक खींचे गए। आप समझिए कि उसी लखीमपुर खीरी में सवाल इस बात का है कि सवाल था छोटा सा ही तरीके से। अमित जी, एक छोटा सवाल है आपसे। अमित जी, एक छोटा सवाल है जी। लोकतंत्र के अंदर स्वस्थ परंपरा को ध्यान में रखते हुए आने वाले टाइम पे बैलेट पेपर में आएंगे, ऐसा आपका कहना है? तो अमित जी, मैं थोड़ा सा आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ। आना चाहिए, आप हमसे ये कहेंगे कि ईवीएम हम लेके आए, बिल्कुल ठीक है, गलतियां होती है, उसको सुधारने की जरूरत है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, एक्सेप्ट किया आपने, वही होना भी चाहिए। अडवाणी जी ने सवाल किया, मेरा सवाल पूरा हुआ। अडवाणी जी ने सबसे पहले सवाल किया, अमित जी, ईवीएम नरसिंहा राव ने अपनी किताब में बैलेट पेपर को दोषी ठहराया। अमित जी, मैं उसी पे आ रहा हूँ कि जब बैलेट पेपर की जब बात चल रही है, तो इसी स्वस्थ परंपरा का ध्यान रखते हुए कांग्रेस की सरकार है आपकी, शिवसेना के साथ मिली हुई महाराष्ट्र के अंदर,
आपके ही कुछ दिन पहले के स्पीकर नाना पाटोले जी महाराष्ट्र विधानसभा के अंदर ये प्रस्ताव लाते हैं कि महाराष्ट्र असेंबली के अंदर अब जब भी चुनाव होंगे महाराष्ट्र के अंदर, वो सिर्फ बैलेट पेपर से होंगे। उसके दो दिन बाद ही कांग्रेस आलाकमान या जो भी उनके रीजन रहे हो, कारण रहे हो, मुझे नहीं पता, उनसे इस्तीफा ले लिया जाता है और वो प्रस्ताव ठंडे बस्ते के अंदर चला जाता है। तो जब आप लोकतंत्र की स्वस्थ परंपरा की बात करते हैं तो क्यों नहीं इसकी शुरुआत आपने अपने सरकार वाले राज्य के अंदर की थी? शुरुआत आपको करनी चाहिए थी ना। मैं आपको बता दूं, जी 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 सुभाष जी, मैं आपको बता दूं, चुनाव कराना चुनाव आयोग का काम है। नाना पटोले जी चुनाव नहीं करा सकते, चुनाव आयोग चुनाव कराता है। ठीक है, उनके सुझाव थे, सुझाव पे पार्टी ने किस तरह का एक्शन लिया वो अपनी बात अलग बात है, लेकिन चुनाव कराना चुनाव आयोग का विषय है। उसमें वो क्या इम्प्लीमेंट नया करेंगे ये उनका विषय, नाना पटोले का विषय नहीं है। वो कांग्रेस नाना पटोले ने चुनाव कराने के लिए नहीं बोला था। नाना पटोले सिर्फ विधानसभा के अंदर प्रस्ताव लाना चाहते थे ताकि सारी पार्टियां मिलकर इलेक्शन कमीशन के पास ये दे सके कि हमने विधानसभा के अंदर ये प्रस्ताव पारित किया है। और जब आप भी जानते हैं कि जब विधानसभा के अंदर प्रस्ताव पारित होता है तभी वो केंद्र के अंदर जाता कानून बनने के लिए। शुरुआत तो करनी थी ना आपको, आपने शुरुआत ही नहीं की। इस तरह के प्रस्ताव लोग चुनाव आयोग में जाकर भी पहले आरिफ जी देखिए कहां चले जाते हैं इनको। ठीक है प्लीज अमित भाई, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। मैं नितिन जी, मेरे काबिल दोस्त को शायद ये पता नहीं है कि जब तक प्रस्ताव आएगा नहीं तब तक उसके अंदर सदस्य लोग अपना प्रस्ताव उसके अंदर कैसे बहुमत करेंगे, वोट करेंगे? पार्टियां आरिफ जी को पता ही नहीं है। आरिफ जी को ये जानना चाहिए कि जब विधानसभा में प्रस्ताव आएगा सभा में सभी तभी तो वहाँ के लोग वोट करेंगे ना। लाती ना तब तो विधानसभा के अध्यक्ष महोदय जी को कहना चाहिए। आरिफ जी आपको होमवर्क कमजोर है, अगली बार होमवर्क करके आइएगा। आपको नहीं पता कोई चीज़ है, आप सिर्फ एक चीज लेकर के बैठे हैं कि बीजेपी जीत गई साहब। ठीक है ठीक है, बस ये चीजें आप थोड़ा सा अपने दिमाग से आप निकालिए। प्रीतपाल जी, प्रीतपाल जी, अब आगे के 5 साल क्या होंगे आम आदमी पार्टी की रणनीति और उत्तर प्रदेश की मौजूदा सत्ता दल को कैसे काम करना चाहिए? सबसे पहले सभी दल कम से कम हम लोग को इतनी बधाई तो दे दे, कल शपथ ग्रहण है हम लोगों का। दूसरी बात, मेरा अगले 5 साल हम लोग का काम रहेगा, जनता के बीच में जाएंगे, एक अच्छे विपक्ष की भूमिका हम लोग निभाएंगे, जनता की जो लड़ाई है, जनता की जो जरूरत है, उसको जो भी भारतीय जनता पार्टी ने 2022 में मैनिफेस्टो में अपनी अपनी बातें रखी है, उन सभी बातों को लगातार एक विपक्ष के रूप में मजबूती से सरकार के कान तक लेके जाएंगे। और सरकार से वो काम ना होगा तो हम वो लड़ाई जनता के लिए सड़कों पे लड़ने का काम करेंगे। आम आदमी पार्टी चुप बैठने वाली पार्टी नहीं है, हम राजनीति सिखाने आए हैं, हम राजनीति करने नहीं आए हैं, जो हमने पंजाब में करके दिखा दिया है। अब हम पंजाब में एग्जाम्पल बनेंगे, और एग्जाम्पल बन के अभी इसी साल हिमाचल में भी चुनाव है और नगर निगम का चुनाव तो अभी जल्दी उत्तर प्रदेश में होने वाला है, एमसीडी का चुनाव तो इन्होंने दिल्ली में रोक दिया। भारतीय जनता पार्टी ने देखा कि इनका परचम बहुत ऊंचे आम आदमी पार्टी का, तो दिल्ली में एमसीडी का इन्होंने चुनाव रोक दिया। खैर, हम उसकी लड़ाई लड़ रहे हैं, लोकतंत्र की जहां हत्या होने का काम होगा वहां वहां आम आदमी पार्टी अपना सर उठा के खड़ी रहेगी, चाहे हम पे गोली चले, चाहे हम पे लाठी चले, चाहे हमको जेल में भेजे, चाहे काला पानी अंग्रेजों की तरह भेज दे, आम आदमी पार्टी चुप बैठ के घर पे नहीं बैठेगी। पूरे 5 साल लगातार विपक्ष की मजबूती से अपना योगदान दे। ठीक है, आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद इस चर्चा में जुड़ने के लिए और अपना अपना पक्ष रखने के लिए। तो उत्तर प्रदेश चुनाव के नतीजे आ गए हैं, बीजेपी ने एक बार फिर से उत्तर प्रदेश में अपनी सरकार जो है वो बना ली है, कुछ दिनों में शपथ ग्रहण समारोह भी हो जाएगा और उसके बाद आमतौर पर जो उत्तर प्रदेश की सरकार का काम है वो शुरू हो जाएगा। लेकिन ऐसे में विपक्ष की भूमिका निभाने वाली समाजवादी पार्टी या उनके साथ के जो गठबंधन के दल हैं या इसके अलावा अन्य विपक्षी दल, उनकी जिम्मेदारियां बढ़ जाती हैं क्योंकि इस बार उनका जो वोट परसेंटेज है वो काफी बढ़ा है, उनको सीटें भी ज्यादा मिली हैं। ऐसे अब देखना यह होगा कि 5 साल की रणनीति कैसे तय करी जाती है विपक्षी दलों की तरफ से और वो कौन कौन से प्रमुख मुद्दे रहेंगे जिनको लेकर के जनता के बीच अभी से जाना शुरू करेगी ये विपक्षी दल और सरकार कैसे काम करती है। फिलहाल आज की डिबेट में इतना ही, मुझे दीजिए अनुमति, नमस्कार। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।